अब हम कुछ एंगल्स के टाइप्स के बारे में बात करें बनाना आपको आता है एंगल ठीक है से आप याद भी रखें और मेमोरी में डाल लें अपने क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे बड़े क्लास में स्टूडेंट पहुंचता है ना वैसे वैसे छोटी छोटी बातें भूल जाता है यह नहीं होना चाहिए ठीक है देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला एंगल होता है जीरो एंगल क्या होता है जीरो एंगल अब नाम से लग रहा है पहले हम उसका नाम लिखेंगे फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे देखो नाम से लग रहा है कि जिसका मेजरमेंट कितना हो जीरो यानी इसका मेजरमेंट कितना होता है जीरो अब आप कहेंगे जीरो बनाए कैसे देखिए आप लाइन खींच दीजिए ऐसे ही ठीक है और ये पॉइंट लगा दीजिए हो गया जीरो एंगल आपको जीरो एंगल बनाने की जरूरत नहीं है जो लाइन इसके इस लाइन के ऊपर जाएगी देखिए आप जो एंगल बनाते हो किसी लाइन पे बनाते हो ना हमने बताया था याद हो आपको आपका जो प्रोडक्टर था तो ये प्रोडक्टर में एक मिड पॉइंट यहां दिख रहा होगा और मिड पॉइंट के ऊपर एक लाइन खींची हुई थी तो मिड पॉइंट को कहां रखते थे इस पॉइंट के ऊपर और जब प्रोटेक्टर को उठा के इस पर रखोगे और इसके पैरल ही लाइन रहेगी तो हम कहेंगे ये जो हमने लाइन खींची है वो प्रोटेक्टर के इस लाइन के पैरनल है तो कितना एंगल बना रही है जीरो किस किस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हाँ बताइए समझ आई हाँ दूसरा होता है एक्यूट एंगल दूसरा एंगल है जीरो से भाई देखिए हम क्या करेंगे जीरो से बढ़ेंगे बढ़ बढ़ के वैल्यू आगे बढ़ाएंगे जाकर के दूसरा है एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल देखिए जो एंगल जीरो से बड़ा हो लेकिन वो नाइन्टी से छोटा हो जीरो भी एक्यूट होता है ठीक है लेकिन चूंकि आप जीरो के बराबर कर दोगे तो वो फिर उसका एक नया नाम होगा जीरो एंगल तो आप लिखेंगे इट इज ग्रेटर देन जीरो इट इज ग्रेटर देन जीरो डिग्री ऐसे लिखते हैं मालूम है ना एंगल की डिग्री ऐसे बनाई जाती है डेढ़ डिग्री होता है एंड लेस देन नाइन्टी डिग्री जो एंगल जीरो से बड़ा होता है और नाइन्टी से छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं उसका नाम होता है एक्यूट एंगल ठीक है बड़ा क्यूट एंगल है छोटा सा है छोटे बच्चे इट इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन जीरो डिग्री एंड लेस देन नहीं नो, वो शायद आपका वो, वो कम आ रहा है अब अब साफ आ रही है अब अब साफ आ रहा है स्क्रीन ब्लर है एक मिनट रुकिए ज़रा और शाइनिंग बढ़ा दें क्या नहीं ये दिख रहा है साहब ये ये दिख रहा है हाँ कुछ नेट वीक आपका आ रहा है हाँ अब देखिए एंगल को हम थीटा से लिख दें या एक्स लिखें क्या लिखें हम एंगल को एक्स मान रहे हैं एंगल का कुछ नाम दे रहे हैं एक्स ठीक है तो ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्रेटर का सन कैसे लगता है ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन नाइनटी ये आप इंडिकेशन हो गया जाकर के क्यूट का एक्स एक एंगल है देखिए इधर एक्स एक एंगल है जो जीरो से बड़ा है और नाइन्टी से छोटा है देखो ये जो ये जो साइन लगता है ग्रेटर लेस का ये पहचानते हैं आप इसको याद करने का तरीका ये इसका मुंह जिधर की ओर होता है वही बड़ा होता है ठीक है तो ये तो हो गया आपका एक्यूट अब थोड़ा और आगे बढ़े तो तीसरा मिल गया हमको राइट एंगल राइट right एंगल जो एंगल 90 डिग्री का होता है नहीं जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है तो एक्यूट बनाएंगे कैसे पहले समझ लीजिए बनाना सीख लें ये लाइन बनाई आपने आपने प्रोटेक्टर लिया प्रोटेक्टर का जो बीच वाला पॉइंट है वो कहां रखा आपने इस पे रखा इस पॉइंट पे रखा ओ पॉइंट पे ठीक है और ये जो लाइन खींची है वो प्रोटेक्टर की लाइन के ऊपर रख दिया अब कोई भी एंगल आप समझ सोच लीजिए जिसो जीरो से नाइनटी के बीच में हो कोई भी एंगल बना दीजिएगा तो कोई भी एंगल आप बनाएंगे ये ये जो एंगल होगा ये एक्स ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल राइट एंगल इट्स हाँ, नहीं नहीं, नहीं, नहीं राइट एंगल तो अगला नाम हो जाएगा 90 पे राइट हो जाता है वो एक्यूट नहीं होता है ठीक है तो इट्स मेजर इज नाइंटी डिग्री इट इज नाइंटी डिग्री ये नाइंटी डिग्री जो होता है वो राइट एंगल होता है अब 90 डिग्री का आप प्रोटेक्टर से बना लीजिएगा ये लाइन और उस पर बिल्कुल 90 डिग्री किए अच्छा इसके इंडिकेशन का एक तरीका भी होता देखिए ध्यान से इसको इस प्रकार से ऐसे बना देते हैं ऐसे ये ये 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं राइट एंगल ठीक है भाई जीरो पे आए जीरो से बढ़े नाइन्टी से छोटे एक्यूट नाइन्टी पे पहुंचे तो राइट अब 90 से आगे चल रहे हैं 90 के आगे जब एंगल बढ़ता है तो उसको कहते हैं ऑप्टिवज एंगल अगला है कौन सा नंबर आएगा फोर ऑप्टिवज एंगल यह एंगल 90 से बड़ा होता है 180 से छोटा होता है इट इज ग्रेटर देन नाइन्टी नाइन्टी डिग्री एंड लेस देन वन एट्टी डिग्री इसको हम लिखना चाहें तो हमने एंगल का नाम दिया एक्स ग्रेटर ये हो गया 90 और लेस ये हो गया 180 एट्टी अब 90 से चाहे इतना बड़ा बड़े हो जाओ 91 कर दो तो 90 नहीं रहा दैट इज ग्रेटर देन 90 अब एंगल बनाने का तरीका कोई भी आप लाइन खींचिए अपने प्रोडक्टर से इस प्रकार से एंगल बना लीजिएगा ये आपका जो आएगा एक्स ये 90 डिग्री आप जानते हैं ये दो रेज होती हैं और दो रेज के बीच में एंगल बनता है ये कॉमन वर्टेक्स होता है ये साइड्स ऑफ द एंगल कहलाती हैं हमने एंगल्स का बताया था कैसे एंगल बनते हैं ठीक है ठीके? अब हम पहुंचे अब 90 से 180 के बीच में हम पहुंच गए अब 180 पे इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल इट इज 180 डिग्री जब 180 डिग्री का एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं अब जरा जरा अपना प्रोटेक्टर देखिए देखिए एक लाइन खींच दीजिए ऐसे खींच दिया जरा प्रोटेक्टर उठाइए प्रोटेक्टर उठाइए जो आप बता रहे हो कि एक तरफ से एंगल दोनों तरफ से बने हुए हैं ना एक तरफ से जीरो उठाओगे तो उस उस लाइन पे उधर वारंटी दिखेगा आपको प्रोटेक्टर उठाइए सामने है ना प्रोटेक्टर में जिस लाइन पे आप जीरो लेते हो वो लाइन जाओ तो वहां उधर सेकेंड कारनर पर वारंटी दिख रहा है तो आप क्या करिए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए और ये एक छोटा सा पॉइंट मान लीजिए बीच में ओ जिस पर एंगल बनाना है तो देखिए ध्यान से यहां ये जीरो है ना ये यह वाला यहाँ से लेकर के यहां तक ये यह दोनों अपोजिट रेज है बिल्कुल ये आपका जो मेजरमेंट होगा वो 180 डिग्री होगा आप आपको प्रोटेक्टर से बनाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी लाइन खींचोगे तो ये पूरा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल ठीक है कितने डिग्री का हो गया 180 डिग्री का अब 180 से बड़ा हम लेके चल रहे हैं अब 180 से बड़ा हम प्रोटेक्टर से कैसे बनाएंगे अभी हम बता रहे हैं देखिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल यानी जो एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री 180 से बड़ा और 360 से छोटा दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल जरा देखिए ध्यान से हम इसको बनाएं कैसे देखिए चूंकि वन एट्टी से और थ्री सिक्सटी के बीच बनाना है तो आपको उसमें मेजरमेंट करने की जरूरत भी नहीं है आप ऐसे बना सकते हैं देखिए ये हमने लाइन खींच दिया इस पॉइंट पे हमको बनाना है तो आपको मालूम है इधर देखिए ये जीरो है ठीक है जीरो से आगे बढ़े तो एक्यूट बिल्कुल सीधे हो गए तो राइट और बिल्कुल लौट के आ गए तो और अगर आप थोड़ा सा वन से थोड़ा नीचे बना दीजिए ऐसे ऐसे तो यहां से लेकर के यहां तक देखो 180 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है भाई देखिए 180 वाली लाइन आपकी यहां से यहां थी तो अगर इसको आप थोड़ा नीचे कर दोगे तो एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा ना तो ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है यहां से मेजर किया यहां तक हम आए हैं ये इसको हम एक्स डिग्री मान लेते हैं यानी एक्स डिग्री क्या है वन डिग्री से बड़ा है और थ्री सिक्सटी डिग्री से छोटा है इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल इसके बाद लास्ट है कंप्लीट एंगल मतलब लौट के फिर हम उसी लाइन पे आ रहे हैं थ्री सिक्सटी डिग्री पे उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल नोट करते जा रहे हैं ना आप नेक्स्ट पॉइंट कौन सा नंबर number, नंबरिंग कौन सी थी सेवेंथ कंप्लीट एंगल इट इज थ्री सिक्सटी डिग्री ये थ्री सिक्सटी डिग्री की वैल्यू होती है वो अलग की बात है कि जीरो डिग्री पे पहुंच जाएंगे आप देखो ध्यान से ये लाइन खींचा आपने इस पॉइंट पर यहां से एंगल मेजर करना है यहां से और लौट के यहीं पे आ जाना है यहां पर तो यहां से लेकर के लौट के यहां आ गए दिस इज 360 डिग्री यानी 360 डिग्री और जीरो डिग्री पे आगे फिर मिल गए आप तो ये आपके एंगल्स हो गए है, ठीक है हाँ डिफरेंस ये है कि 360 में हम यहां से लेकर के यहां तक आए हैं पूरा रोटेट करके अगर हमसे आप हाँ अच्छा ठीक है आप हमारे सामने खड़े हैं जीरो डिग्री एंगल बना रहे हैं हमने कहा थ्री सिक्सटी से घूमिए और आप खड़े रहिए तो उसको क्या कहा जाएगा वो पूरा हाँ पोजिशन सेम हो जाएगी दोबारा लेकिन वो वैक्टर पूरा घूम करके वो रे पूरा घूम करके फिर लौट के वहाँ आइए यानी वो कितने डिग्री से घूम गई है वो थ्री सिक्सटी ठीक है अब ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे कहाँ जाते हैं एक तो आपको इसका एंगल मेजरमेंट आना चाहिए ठीक इसके नाम याद होने चाहिए क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि स्टूडेंट जो नेमिंग है वो भूल गया होगा तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन दूसरा घड़ी की जो सुइयां होती है ना पे वो बहुत पूछते हैं तो घड़ी के सुई के बारे में जरा अब दो चार दस साल बाद तो लड़के भूल जाएंगे क्योंकि अब डिजिटल घड़ियाँ आने लगी है ना तो बताना पड़ेगा बच्चों को कि एक समय था घड़ियां हुआ करती थी एक सेकंड की सुई होती थी वो ऐसे ऐसे चलती थी ऐसा बताना पड़ेगा और एक कोई फोटो रखनी पड़ेगी ठीक है अब जरा समझिएगा घड़ी की सुई के बारे में हल्का सा जानकारी हम देंगे आपको देखो घड़ी की मिनट की सुई देखिए मिनट की सुई मिनट की सुई में वो लाऊ ये घड़ी है ठीक है ये मिनट की सुई 12 बजे पे रुकी हुई है ठीक है अब घड़ी की जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है ये मिनट की बात कर रहा हूं पूरा एक चक्कर लगाती है ठीक है तो कितने डिग्री से घूम जाती है थ्री सिक्स टाइम में घूमती है जो लगातार चलती रहती है वो कौन सी सुई होती है सेकेंड की होती है ना वो पूरा एक चक्कर जब लगाती है तो उसको आप कितना टाइम बताते हैं सेकेंड वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तो सिक्सटी सेकेंड होता है अरे डिपेंड नहीं करता है इधर देखो वन सेकेंड टिक 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 वन टू थ्री फोर साठ सेकंड हो गए तो एक पूरा चक्कर लगाती है तो सिक्सटी सेकेंड लगाती है कितना लगाती है जब सिक्सटी सेकेंड लगा लेती है तो टाइम कितना होता है सिक्सटी सेकेंड कितने मिनट होते हैं क्या है यानी सिक्सटी सेकेंड इज इक्वल टू द ध्यान से समझिएगा वन मिनट सिक्सटी सेकेंड वन मिनट के बराबर होता है ठीक है अब मिनट वाली सुई पकड़ते हैं सेकंड वाली भूल जाइए सेकंड वाली तो याद हो गई ना अब देखो सेकंड वाली सुई की पहले हम बात कर लेते हैं अच्छा सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है अच्छा पूरा कितने एंगल से घूमती है यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सिक्सटी सेकेंड इन सिक्सटी सेकेंड इट मूव्स बाई थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल कह सकते हैं हम अच्छा और एक सेकंड में कितने एंगल से घूमेगा ये यानी इन वन सेकंड क्या तरीका होता है यूनिट अगर मैं आपसे कहूं कि साठ साठ किलो कोई चीज की कीमत थ्री सिक्सटी रुपीज है सिक्सटी के जी के दाम थ्री सिक्सटी रुपीज हैं तो वन के जी के दाम कैसे होंगे कैसे निकालोगे ये यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना आपने तो आप बताइए अगर सिक्सटी सेकेंड में घड़ी की जो सुई सेकेंड वाली सुई होती है यानी सेकेंड सेकेंड से, इट माने सेकेंड हैंड ये कौन सी घड़ी की हम बात कर रहे हैं सुई की सेकेंड हैंड की बात कर रहे हैं सेकेंड हैंड मतलब पुरानी नहीं सेकेंड हैंड वाली सेकेंड वाली जो सुई का जो पैर होता है जो हैंड होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं तो एक सेकंड में कितनी डिग्री से घूमेगा थ्री हैं ठीक है अब समझ में आ रहा अब सेकेंड वाली सुई का लॉजिक समझ में आया अब जरा मिनट पे आओ मिनट पे सावधान मिनट वाली सुई देखो एक सेकंड में सेकंड वाली सुई छह डिग्री से घूमती है जरा मिनट पे आ जाओ घड़ी में कितने मिनट होते हैं कुल ऐसे मिनट साठ मिनट होते हैं ना भाई भाई घड़ी में ध्यान से देखा होगा आपने तो ये जो सुई बनी होती है उसमें ट्वेल्व लिखा होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ये तो होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ये तो होता है अब देखो ध्यान दें यानी यहाँ से यहाँ तक फाइव मिनट हुए ना तो फाइव फाइव मिनट करके ट्वेल्व टुकड़े हैं इसके तो कुल सिक्सटी मिनट है तो मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई पूरा जब चक्कर लगाती है पूरा चक्कर लगाती है ठीक है तो कितने डिग्री से घूमती है और पूरे चक्कर में कितने मिनट कितने मिनट लेती है वो सिक्सटी मिनट तो यही चीज मिनट वाले में हो जाएगा कि इन सिक्सटी मिनट ये तो सेकेंड हैंड हो गया इन सिक्सटी मिनट सिक्सटी मिनट की हम बात कर रहे थे मिनट मिनट हैंड मिनट हैंड मिनट हैंड मूव्स बाई थ्री सिक्सटी डिग्री और इन वन मिनट इन वन मिनट कितने मूव करेगा थ्री सिक्सटी बाई सिक्सटी यानी ये छः डिग्री से घूम जाएगा तो मिनट वाली जो सुई है वो एक मिनट में सिक्स डिग्री से घूम जाती है ये बात नहीं आई है इसी प्रकार से जरा घंटे वाली सुई देखिएगा ध्यान से घंटे वाली सुई एक घंटे में एक घंटे में सॉरी पूरा चक्कर लगाती है कितने घंटे में एक घंटे में एक लगाती चक्कर घंटे वाली सुई एक बारह घंटे में चक्कर लगाती है भाई पहले बारह बजाती है फिर वो एक बजाती है दो बजाती है तीन बजाती है छह बजाती है फिर बारह बजाती है ठीक है तो ये जरा सुइयों के बारे में ध्यान देना कि कितने घंटे में वो चल रही है और कितने घंटे में कितने मिनट से घूम रही है ठीक है मतलब कितने एंगल से घूम रही है तो जो घड़ी सामने रख करके थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा इसको ठीक है अच्छा कुछ चीजें और आप समझ लें उसी प्रकार से कुछ डायरेक्शन चूंकि एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कुछ डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जनरली आपके पास चार डायरेक्शन हमने पढ़ी हैं ठीक है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो ये आपकी होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे पहचानते हैं ईस्ट वेस्ट किधर की तरफ ईस्ट है किधर कि वेस्ट है किधर नॉर्थ है कैसे पहचानते हैं आप नहीं नहीं वो तो छोड़ दीजिए मैं ज्योग्राफी में बात करता हूं आपने घर में खड़े हैं तो कैसे पहचानेंगे कि आपके घर का कौन सा जो है डायरेक्शन ईस्ट है कौन सा वेस्ट है कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ <coughs> आप हमने आपसे नहीं मैं फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ आप खड़े हुए हैं और आपसे आपसे घर में कहा गया कि आपके घर का जो गेट है वो ईस्ट की तरफ है या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ कैसे आप बताएंगे डायरेक्ट डा डर, नहीं अच्छा शेडो अगर आपको अंधेरे में खड़ा कर दिया तो शेडो ढूँढोगे अपनी बादल है तो शेडो ढूंढोगे भाई आप कहोगे पहले शेडो बनाओ तब हम करेंगे अरे भाई ऐसा नहीं है डायरेक्शन नहीं बताई गई आपको स्कूल में अब मैं आपको बताता हूं ध्यान से सुनिएगा ठीक है आप किस हाथ से खाना खाते हैं राइट या लेफ्ट लेफ्ट से खाते हैं राइट लेफ्ट जानते तो ही कौन सा राइट है आप सुनिए सुनिए ध्यान से यानी यानी ये आपका राइट होगा ना इधर वाला और ये लेफ्ट होगा अच्छा जिधर सन निकलता है उधर मॉर्निंग खड़े हो जाओ खड़े हो गए नहीं मतलब अभी ना खड़े होना मैं बता रहा हूं तो जिधर सन निकलता है उधर खड़े हो जाओ तो वो किधर निकलता है यानी आपने ईस्ट जान लिया और जस्ट आपके पीछे वेस्ट हो जाएगा राइट हैंड जो होगा वो साउथ होगा और लेफ्ट हैंड कौन सा होगा डायरेक्शन कौन सी होगी अरे अरे ईस्ट के अपोजिट वेस्ट और राइट हैंड साउथ की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड नॉर्थ हो जाएगा समझ में आ गई तो डायरेक्शन निकालना समझ में आ गया तो अब आप अपने घर की छत पे खड़े होकर के मॉर्निंग देखना किधर से सन निकलता है जिधर सन मॉर्निंग में राइज करेगा दैट इज ईस्ट आपके बिल्कुल पीठ की तरफ पीछे की तरफ जो है वेस्ट राइट हैंड क्या होगा साउथ लेफ्ट हैंड नॉर्थ अरे नॉर्थ होगा ठीक है अच्छा वो तो डायग्राम की हम बात कर रहे थे लेकिन ज्योग्राफी में आपको आइडिया होना चाहिए ना ईस्ट वेस्ट किधर होता है समझ में आ गया अब देखो जरा सन किधर से किधर जाता है ईस्ट क्या सन चलता है सन चलता है सन चलता है कि स्टेशनरी है तो यानी सन स्टेशनरी है नहीं 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 सन सन स्टेशनरी है ना आप जरा सुनिएगा अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ठीक है और या हम खड़े हैं आप कहे खड़े होंगे हम खड़े हैं और ट्रेन ऐसे निकली तो आपको क्या लगेगा सामने वाला ऐसे जा रहा है उल्टा लगता है ना देखो सामने वाला तो खड़ा है यानी अगर सामने वाला जो खड़ा हुआ है आपको ऐसे लगे तो समझ लीजिए आपकी ट्रेन उल्टा जा रही है सही कह रहा हूं मैं आप सुनिए सन तो रुका हुआ है और आपको क्या लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है ऐसा लगता है ना तो इसका मतलब तो अर्थ किधर किधर घूम रही है अर्थ सन किधर आपको लगता जाता हुआ सन आपको किधर ईस्ट वेस्ट जाता है क्या सन जाता है इधर से उधर सन तो नहीं जाता है सन तो अपनी जगह रहता है तो नहीं अर्थ उसको अर्थ जाती है तो अर्थ अर्थ किधर से किधर घूमती है उल्टा उल्टा करो ना उसको अगर देखो इधर हमको देखिए ये सन है सन तो स्टेशनरी है अब सन आपको ऐसे लग रहा जा रहा है तो एक्चुअली सन ऐसे नहीं जा रहा आप ऐसे जा रहे हो ठीक है आप जब ऐसे जाओगे तो आपको सामने वाला जो कि रुका हुआ है वो लगेगा उल्टा जा रहा है ऐसा लगता नहीं लगता है तो अगर सन ईस्ट से वेस्ट तरफ जाता है तो एक्चुअली में सन नहीं जाता है सन अपनी जगह पे है तो हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है तो अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन क्या है तो आप कहेंगे वेस्ट टू ईस्ट कहेंगे क्यों बोले सन अपियर्स टू कम टू गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अर्थ तो जो है घूम रही है हमको सन लगता है ईस्ट से वेस्ट तरफ जा रहा है इसका मतलब जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट जा रही खैर मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे ईस्ट वेस्ट आ गया था तो देखिए ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एग्जैक्ट फोर्टी फाइव एंगल बनाता हुआ ये एंगल नाइनटी डिग्री होता है ना तो ये पूरा फोर्टी फाइव बनाता हुआ एक फोर्टी फाइव इधर बनाता हुआ तो ये हो जाएगा ईर्थ नॉर्थ या सॉरी क्या बोल ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोल दो नॉर्थ ईस्ट इसको बोला जाता है ये नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है ये साउथ वेस्ट बोला जाता है ये साउथ ईस्ट बोला जाता है मतलब बिल्कुल ईस्ट और नॉर्थ के बीच का नॉर्थ ईस्ट होगा इसके इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा इसके इसके बीच में साउथ वेस्ट होगा इसके इसके बीच में साउथ ईस्ट होगा यानी कि अगर मैं कहूं कि ये कितना एंगल है तो उसको आधा कर दो 90 डिग्री का कितना एंगल है 45 डिग्री एंगल होता है तो कितनी डायरेक्शन हो गई है एट डायरेक्शन होती है ठीक है एट होती है लेकिन 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 दो डायरेक्शन और होती हैं जो कि आपको फिलहाल यह नहीं बताई जाती हैं देखिए आप खड़े हुए हैं ये ईस्ट मैं ऐसे बता रहा हूं ईस्ट वेस्ट मान रहा हूं इधर सन सनराइज हो रहा है तो सनराइज हो रहा है तो ये ईस्ट हो गया हमारे पीठ की तरफ वेस्ट हो गया ये मेरा राइट right हैंड है तो राइट हैंड किधर होता है साउथ हो गया और लेफ्ट हैंड नॉर्थ हो गया तो ये कितनी डायरेक्शन हो गई चार हो गई हर डायरेक्शन के सेंटर्स बी से आपने खींचा तो चार और हो गई आठ हो गई ठीक है एक अपवर्ड होती है एक डाउनवर्ड होती है तो दो डायरेक्शन और होती है तो कुल डायरेक्शन कितनी मानी जाती है टेन यहां फिगर में मतलब एक ये वाली भी होती है बिल्कुल ये वाली वर्टिकल से इस प्रकार से जो होती है लेकिन फिलहाल आपके यहां ये एट मानी गई है तो सबके बीच में एंगल समझ में आ गया कि कौन सी डायरेक्शन किससे कितना एंगल बनाती है ठीक है देखिए हम आपसे यह भी कह सकते हैं देखो ध्यान ध्यान से अगर मैं कहूं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट से कितना एंगल बनाती है अगर मैं कहूं एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कितना दिख रहा है बताइए 90 डिग्री तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन के बीच में एंगल में कंफ्यूज कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा अच्छा नापेंगे कैसे इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे जाएंगे किधर से हाँ इधर से इधर किधर से क्यों नहीं जाएंगे भाई क्यों क्योंकि एंगल हमेशा एंटी क्लाकवाइज मेजर किया जाता है ये बताइए आप बंद तो जाएगा आप अपना प्रोटेक्टर उल्टा रख दीजिए उठा करके नहीं समझे जो प्रोटेक्टर की जीरो लाइन है वो इस पे रख के उल्टा रख दीजिएगा लेकिन एंगल हमेशा एंटी क्लाकवाइज मेजर किया जाता है इस, इसलिए इसका नाम दिया गया तो एंगल्स का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया